नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस नए YouTube वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अजय, HL क्लासेस से। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने जैन धर्म व बौद्ध धर्म और वैदिक काल और मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, जो SSC के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए आज बात करते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर पाँच, शक संवत किसने और कब शुरू किया? दोस्तों, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें अगला नंबर है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर सात, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन आठ, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन और अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर नौ, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। क्वेश्चन नंबर दस, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक काल पे है। क्वेश्चन 16, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को पूर्ण रूप से नियमित एवं प्रचलित करने का श्रेय किस शासकों को है? यह है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर पश्चिम में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन राजाओं ने करवाया था? इंडो ग्रीक या हिंद यमन राजाओं ने। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? गंधार। 19 नंबर, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। दोस्तों, पुरुषपुर कुषाण की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में हुआ था। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आइए देखते हैं उसका जवाब। उसमें क्वेश्चन था, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये दूसरा क्वेश्चन था उसमें। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। सही जवाब दिया है विनय ने, 261 BC। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य, रमेश, बबीता, प्रदीप, बबीता, प्रदीप, हिमांशु, विनय, अर्चना, सुरेंद्र, गुलाब, रुपेश, रितेश, रितेश, AL, नीरज चौधरी। अगर इस प्रकार का वीडियो और आपको देखना हो तो मेरे चैनल HL क्लासेस पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।